सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप T20 के फाइनल के हवाले से, जिसमें कल पाकिस्तान हार गया और ऐसी हार से हारा भी देखे सुपर फोर के क्यों टूटा दिल, लेकिन इंडिया लड़की है वो तो खुश है, वो कहते हैं पाकिस्तान भी खुश है, इंडिया खुश होंगे। बड़ा अफसोस हुआ है यार, दोनों टीम वजह भी है, उसकी वजह ये है कि एक तो देखे मुझे भी साइड की ग्रीन रंग का नया सूट सिलवाया कि जी पाकिस्तान का आज मैच है तो हम ग्रीन कलर पहन के जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। हफीज भाई आपसे आगाज करते हैं जी, चैंपियन बनने के लिए क्या जरूरी है? देखिए प्री मैच में भी हमने बोला था कि द चैंपियंस आर नेवर स्मूथ सेलर्स, उन्होंने हार्डशिप करनी है, वो कभी इन छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के ऊपर जो है जिंदगी नहीं गुजारते, साबित किया श्रीलंका ने। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, हालांकि इस टॉपिक पर आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अब रिएक्शन आ ही रहे हैं इतने फनी, तो वीडियो अपलोड करना जरूरी है। आपको बता दूं कि कल एशिया कप में पाकिस्तान एक जीता जिताया मैच, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने पहला हाफ देखें तो पहले हाफ में पहले 10 ओवर देखें तो पाकिस्तान तो मैच जीत रहा था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 58 पे 5 से श्रीलंका और वो 170 बनाते और पाकिस्तान फिर उसके बाद कैसा हारता है, आपने सब कुछ देखा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो आता है तो प्लीज चैनल को, आखिरी मैच में वो हारे, प्रैक्टिस मैच में हारे, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो उनको सीखने की जरूरत थी, और फील्डिंग डे वन से हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, तस्करा करना चाह रहा था कि भाई बंदे ने 68 रन बनाए और ये बताना चाहिए कि उनके 68 कितने इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आप ये देखें कि कैप्टन इनिंग खेली, अच्छा 68 एक हैरान परेशान ना हो, 6 इनिंग्स में उन्होंने 68 रन बनाए, एक में नहीं बनाए, यानी कि एशिया कप के पूरे जो मैचेस थे उनमें मिला के जो उनका स्कोर था वो 68 था। What is wrong with Babar? I don't know. मेरे ख्याल से हम उससे कैप्टनसी ले लेनी चाहिए ताकि वो अपनी गेम पे जो है ना, फखर जमान से क्या लेना चाहिए? फखर जमान से आई बिलीव मेरे ख्याल से थोड़ी सी वेकेशन में उनको भेज दिया जाए, एक जरा दो हफ्ते वो रेस्ट कर लें। खुशदिल को भी भाई देखे, कभी कभी लक होती ना, नहीं चल रहा तो खुशदिल को भी आसिफ क्या करना चाहिए, क्या हो रहा मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं भाई, मुझे नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। और कल स्पेसिफिकली जो बाबर आजम और फखर जमान ने देखा है कि इस पूरे एशिया T20 के इस फॉर्मेट में, आई डोंट नो बट दिस टाइम बोथ, आप सोचो उससे पहले आते आते इजहारे हमदर्दी कर रहे थे, मेरे ख्याल में इनको विराट कोहली से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, कि हाथ मिलाते हुए शायद दुआएं जो दे रहे थे वो फॉर्म इधर से उधर चली गई। अच्छा जी, खैर कल बाबर आजम और फखर जमान जिनकी वजह से हमने देखा कि, और इनफैक्ट जिन्होंने बड़े अच्छे रन जोड़े, रिजवान अगर वो भी इतना टुक टुक ना करते हो, मेरे ख्याल से सेल्फिश ना प्ले करते, ये देखते कि यहाँ पे शॉट्स लगाना जरूरी है। हमारे साथ मसला ये ना कि मतलब टीम नहीं खेलते, ठीक है, हम इफ्तिखार और रिजवान की पार्टनरशिप की वजह से मैच हारे जी, बिल्कुल फॉर स्टार्टर्स। तो मैच तो हम हार गए, कप्तान का क्या कहना था जरा आपको सुनवाते हैं, जो सूरत हाल रही है कल का मैच, हम जैसे मोमेंटम के अलावा भी स्ट्रेटजी वाज मिसिंग, हमने देखा कि वो पांच हमने कितना अच्छा, दरमियान में कहा ये जा रहा था कि जब वो सेट होना शुरू हुए तो उस वक्त सब कह रहे थे कि भाई आप स्पिनर्स के साथ साथ एक एंड से शादाब को रखें, दूसरे एंड से फास्ट बॉलर को लाएं, ताकि मतलब थोड़ा सा एक चेंज ऑफ पेस हो, वेरिएशन हो। लेकिन कल बिल्कुल समझ में नहीं आई, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, मैच स्टार्ट हुआ जिस तरीके से हमने विकेट लेना शुरू किया, ऐसा लगा कि हम जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी रिजवान ने सही बात की कि श्रीलंका प्लेड लाइक अ चैंपियंस, खैर इस हवाले से बात करेंगे, गलती कहां कहां पर हुई, हमारे साथ वो मौजूद है माइनस पिक स्निपर साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू के साथ में हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और हमारे स्पोर्ट्स एंकर शुएब जट भी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, क्योंकि मैं इस वक्त इतनी सारी परफॉर्मेंस दोबारा वाकई मतलब दोबारा से मैंने वो जो सब देखा है ना कि, तो मैं भूल गया हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं इतनी पागल हुई हूँ, मैं भी टीम, मेरी परफॉर्मेंस टीम जैसी हो रही है। तौसीफ भाई से स्टार्ट करते हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। तौसीफ भाई, हमने तो सुना था कि अगर आप टॉस जीत जाए तो मतलब होता आप आधा मैच तो जीत गए, कल तो हम टॉस तो जीते ही जीते, हम तो जो थोड़ा बहुत हमें लगता था मैच जीते हुए शुरू में लग रहा था, हम तो वो भी हार गए, हुआ क्या कल, आपको क्या लगता है? लग रहा है सारा फोकस हमारा जो था वो टॉस पे ही था, और मेरा ख्याल है टॉस तो एक सभी कह रहे होते हैं कि ठीक है जीत गए, नहीं तो या खेलने से मना तो हम नहीं कर सकते, अगर टॉस आ जाए कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो ये एक्सक्यूज गलत है, खराब कंडीशन में मुश्किल टाइम में ही आज प्लेयर का पता चलता है। हमने तो एक जैसी क्रिकेट खेली है पूरी, शुक्र है अल्लाह का कि हम पहुंच गए, दुआएं सती साहब ने मेरे ख्याल लेट दुआएं शुरू की हैं जो बात कर रहे थे, तो हम पहुंच जरूर गए, बट हमने इतनी अच्छी क्रिकेट तो थ्रू आउट नहीं खेली। हाँ। अच्छा फाइनल में पहुंचे हम जरूर है,
ऐसे कि हमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, वी वर नॉट कंसिस्टेंट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हमारा चल गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप इस मैच को 171 रन थे फिर उसके बाद बैटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, बॉलिंग को तो चलें उसके ऊपर आगे बात करते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग आपकी नजर में, टर्निंग पॉइंट मैच का क्या था? देखिए टर्निंग पॉइंट तो मेन तो यही था, हम स्टार्ट करते हैं अगर उनके बैटिंग करने से तो 58/5 समथिंग ऐसे कुछ लगा था, तो आज ही टीम तो चली गई थी, चली गई। ये रोना गाना शुरू से चल रहा था, मिडिल ऑर्डर अब से नहीं बहुत पहले से ये हो रहा था कि मिडिल ऑर्डर हमारा कुछ है ही नहीं। हाँ। और फिर हमारे बड़े ग्रेट प्लेयर्स भी बैठ के टीवी पे बात कर रहे थे कि ये 20 ओवर जो है इसमें 12-13 या 14 बदलकर 15 ओवर जो है हमारे दोनों को खेल जाना चाहिए, जो पहले से यही हो रहा है, तो ये तो कोई एनालाइज तो है नहीं। 15 ओवर अगर ये खेल जाएंगे तो नीचे वालों की क्या पोजीशन आएगी, मेरे ख्याल ये बिल्कुल रॉन्ग था सारा कुछ। देखिए फर्स्ट 6 ओवर दुनिया इस वक्त उसका फायदा लेती है, और फिर ये एक्सक्यूज कर दें कि जी हमारे तो बैट्समैन नहीं चलते, तो आपने बैट्समैनों को तो तैयार ही नहीं किया। हाँ। आपके बैट्समैन तो वैसे के वैसे ही है, पिछले 6 महीने से हम ना हुक लगता है ना पुल लगता है ना कोई शॉट। आप अच्छा मैं एक चीज देख रहा था तौसीफ भाई, आप ज्यादा उसकी जट साहब भी हमारे साथ बैठे उनसे भी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो शॉट्स का पक्का होना होता है यानी कि उनके शॉट्स का प्रॉपर फॉलो थ्रू था, ये हाफ हार्टेड शॉट्स खेल रहे थे कोई भी हमारे प्लेयर्स थे, यानी कि वो कनेक्ट हो रहा था तो लग नहीं रहा था कि उसी वक्त पता लग जाता था कि वो ग्राउंड से बाहर नहीं जाता, तो देयर इज अ डिफरेंस इन टेक्निक एज वेल। ग्राउंड बड़ा था 68 की, जट साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जट साहब की टीम तो पहुंच गई ना, जट साहब ने फर्स्ट टाइम में बोला था कि श्रीलंका पहुंच जाएगी, हम जिस दिन हम आपके प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे स्टूडियो में, वो झंडा अभी मैंने उतरवाया जट साहब से। जी हाँ बिल्कुल, और नहीं ये वाकई देखिए दो आदमियों पे आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, चलिए एक तो बाबर आजम तो आपके चल ही नहीं रहे थे, बट हम अगर अपनी मिडिल ऑर्डर बातें जो करते हैं ना वो नजर आ रही है, ये सब बुरा मानना शुरू हो जाते हैं, हमें कोई आपसे तकलीफ नहीं है, हम तो वो चीज कहते हैं चाहे चीफ सिलेक्टर साहब हो या कप्तान साहब हो, यूं कहते हैं कि जी कप्तान साहब बहुत पावरफुल होता है क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा कप्तान पावरफुल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ये किया, हमने कप्तान को पावरफुल बनाने के चक्कर में कि जी कप्तान पावरफुल होते हैं, हमने बाबर आजम को कैप्टनसी दे के हमने उनकी अपनी गेम वीक कर दी है, वो उनकी जो पावरफुल जो स्ट्राइक्स वो मारते थे वो नहीं मार पाए। देखिए जब से हम जीत रहे थे ना तो कोई चीजें ऐसी सामने नहीं आती हैं, हाँ हम लोग बैठ के वो छोटी छोटी चीजों को बता रहे थे कि भाई ऐसा होना चाहिए। हाँ। ऐसा कप्तानी अपनी जगह, बट कल तो कप्तानी की हद ही हो गई है ना, आप देखिए ना नवाज को आपने ओवर ही नहीं करवाए और मेन आपका बॉलर, तो मतलब आई मीन के गलतियां तो आप कर रहे हैं, और मेरे ख्याल अब टाइम है संभल जाए, आप बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं आपके साथ, इंग्लैंड आने को तैयार बैठी हुई सर, पता नहीं क्या होगा। जट साहब तुसी दसो वैसे, जट साहब कल आपकी क्या महसूसमेंट थी, क्या फीलिंग थी आफ्टर द मैच, प्लीज हमारे साथ। देखिए मैं अपने कप्तान और अपना ओपनर जो है रिजवान उसके स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान कल मैच हारा, पाकिस्तान जब 58/5 था तो मैंने तो टीवी थोड़ा सा साउंड बंद करके अपना काम वगैरह करने लगा था, देख रहा था कि यार अब तो श्रीलंका ने तो यहाँ से कर दिया खत्म, यहाँ से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 120 रन तक पहुँच सकते हैं, बहुत मुश्किल से 120 पहुँच सकते हैं अगर अच्छा खेले, क्योंकि जब आपकी 58 रन पे 5 विकेट गिर जाए आधी टीम अंदर हो जाए और फिर बहुत मुश्किल होता है, ऑलराउंडर प्लेयर आपका हसरंगा आ गया, उसके बाद ऑलराउंडर है टेलेंडर है, लेकिन हसरंगा ने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया और रन बनाए, उसके बाद आप देख सकते हो 15 ओवर में इनके रन थे 116, हसरंगा आउट हो गया था, मुझे उस टाइम पर लगा कि अब ये 5 ओवर में अगर ये लोग 30 से 35 रन भी जोड़ते हैं ना 35 रन तो ये स्कोर 160 प्लस हो जाएगा और श्रीलंका ये मैच निकाल लेगी, उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था, बिल्कुल यही सोच रहा था। उसके बाद हुआ क्या, करुणा रटने आया उसने भी सिक्स मारे, नसीम शाह को तक छक्का मारा, एक ओवर में 2 छक्के मारे, एक मारा था राजा पक्षी ने, एक करुणा रत्ने ने, राजा पक्षी ने जब हसरंगा के साथ खेला था बहुत सेंसिबल खेल रहा था, उसके बाद करुणा रत्ने के साथ मिलकर इसने वहां से जो 170 रन बनवाए, 171 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट था, फाइनल में पाकिस्तान की टीम बैटिंग उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, ये लोग मैच फंस के ही जीत रहे थे, आपको सारे मैच पता होंगे, हुआ वैसा ही कुछ, बाबर आजम सॉफ्ट डिसमिसल, रिजवान वही 104/5/10 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, रन रेट पहुंच गई कहां 13-14, फिर वो इफ्तिकार चाचा
चाचा ने भी पता नहीं, मुझे पता नहीं, उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे मिसबाह उल हक पार्ट टू है, वैसे ही डिफेंस कर रहे हो, लास्ट में आके मारते मारते आउट हो गए। तो वैसे ही कुछ सीन रिपीट हुआ, उसके बाद तो मैच बचा ही नहीं था। हर बैट्समैन को, पाकिस्तान के बैट्समैन को आके बल्ला चलाना था, अगर मार पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आउट। तो वैसे ही कुछ सीन हुआ और श्रीलंका मैच जीत गई। श्रीलंका डिजर्व भी करती थी, श्रीलंका जिस तरीके से पहला मैच हारी थी उसके बाद से उन्होंने जो क्रिकेट खेली है, बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत अच्छा चेस किया, फिर अफगानिस्तान को बहुत अच्छा हराया, आपने देखा होगा वो मैच। फिर उसके बाद आप देखें अफगानिस्तान वाले मैच के बाद आप देखें भारत को भी बहुत अच्छा मैच हराया, फिर पाकिस्तान को लीग सुपर फोर का मैच हराया और ये मैच हराया। मतलब श्रीलंका इस टूर्नामेंट को जीतना डिजर्व करती थी क्योंकि वो खेल रहे थे अच्छा।